हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना ये पोमेग्रेनेट यानी कि अनार का जो पेड़ है उसकी केयर के बारे में बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, ये पेड़ जो है हम नर्सरी से ही लाए थे और इसे आए हुए अराउंड 3 मंथ्स तो हो चुके हैं। और उसी दौरान जब ये आया था फ्रेंड्स, तो एक तो ये अनार का पेड़ जो है बहुत कमज़ोर होते हैं इसके स्टेम से। देखिए कितने पतले स्टेम से इसके, तो देखिए। तो फ्रेंड्स, जब ये आया था तो इसको मैंने जो है सेमी शेड में रखा। जहाँ इसे रखा हुआ है वहाँ ऊपर टीन शेड लगी हुई है, क्योंकि अभी कुछ पत्तियाँ इसके जो है इस तरह से हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं, तो मुड़ रही हैं। आई थिंक ज़्यादा गर्मी की वजह से ये ऐसी हो रही हैं, क्योंकि अब भी यहाँ दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी है फ्रेंड्स। हालाँकि अक्टूबर आ गया है। तो फ्रेंड्स, जब ये आया था तो इस पर कुछ भी लीव्स नहीं थी, बहुत ही कम लीव्स थी। ये देखिए, ये इसकी पुरानी लीव्स हैं, पर ये देखिए, ये आप ये जो जितने भी आप देख रहे हैं, ये है या फिर ये है, ये सारी ग्रोथ हमारे यहाँ पे आने के बाद ही इसकी हुई है। और फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी फ्रेंड्स देखिए इस तरह से होनी चाहिए, जैसे ये है। अभी इसमें ये ना हो कि पानी भरा हुआ है या काई लग रही है, बिल्कुल सूखी सी मिट्टी। उसके लिए एक भाग आप 3 भागों में डिवाइड कर लें, कोई भी गमले की मिट्टी, एक भाग नॉर्मल मिट्टी, एक भाग सैंड और एक भाग खाद का लें। और फ्रेंड्स, वाटर इसमें बस इतना ही दें कि इसमें रुके ना पानी, और इसको सेमी शेड में रखें। और मंथ में एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दें, या वर्मी कंपोस्ट टी भी आप दे सकते हैं, या लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। और जब इसमें फ्लावरिंग टाइम होता है फ्रेंड्स, तो किसी भी पेड़ में उस वक्त आपको खाद नहीं देनी चाहिए, उस वक्त आपको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब इसकी ग्रोथ हो रही है तो आप इसमें जो है फर्टिलाइज़र सूखा भी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके अपडेट। ओके फ्रेंड्स, आप भी नए नए पेड़ लगाइए। हैप्पी गार्डनिंग।